अब हम उसी वाले होटल में, रेस्ट हाउस में फिर से आए हैं जिधर आप देख रहे हैं। और अभी आपको पीछे आपको ये गाड़ी नज़र आ रही होगी जिसमें जो मैं चला के पीछे लैंड क्रूजर अमेज़न। और अभी ये सामने ये सारे वो जो कुछ हमारे गांव खानपुर ज़िला रहीमयार खान से आए हैं ये सारे, और ये अपने अयास खान साहब एक्स नाजिम ऑफ खानपुर। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये ज़रा बताएं इधर का मौसम आपको ये कैसा लग रहा है? अच्छा मौसम है, पिछली दफा कितनी ठंड थी और इस दफा किस तरह धूप और साथ में मौसम साथ में हवा आ रही है, हवा ठंडी चल रही है। आज चांडियो साहब का एजेंडा भी हो जाए। चांडियो साहब आज बताएं पूरे खुल डुल के बताएं, खुल डुल के दिल खोल के बताएं। चाहे बहुत अच्छा मौसम है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और पिछली दफा भी हमने बहुत एंजॉय किया था, अब भी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है। ठीक, थैंक यू। अब हम जरा थोड़ी देर में अभी ये लंच करेंगे और ये अभी आप ये सारे ये देख रहे होंगे फिर से। पहले तो आप सेल्फी वाला व्यू देखें, यहाँ से 360 डिग्री एंगल का व्यू। अब आप ये फ्रंट कैमरा से देखें व्यू। आज नुमान का इंटरव्यू हो जाए, ये बताया कि पिछली दफा तो बिल्कुल ठंड नीरी ठंड में थे, आज यहाँ पे गर्मी भी है साथ में, आज सीधा थोड़ा गर्म मौसम भी और साथ में ठंडी हवा है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रही है, खबरें जरा आ रही हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा फियाज तुम बताओ, तुम अपना खुल डुल के हाल बताओ और सारा कुछ बताओ इधर खुल डुल के, चाहे आपको कोई शिकायत भी है जो अगर आपको गाली भी इनके बारे में सूझ रही है ना वो भी खुल डुल के बताए। मैं यकीन माने मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है और वीआईपी है और एवन है, खुल डुल के बताया ना। और मुजफ्फराबाद का मौसम और मुजफ्फराबाद के लोग भी अच्छे हैं। ठीक, और वो भी ये क्यों नहीं बता रहे थे कि आप इसलिए तो नहीं कि वो भी हिंद को बोलते हैं आप भी हिंद को बोलते हैं? हमारे इनको भाई हम इधर साथ मनसेरा में, ये साथ इधर मुजफ्फराबाद में। ठीक, हमारे पड़ोसी है ना। ठीक, वो सामने दरिया के किनारे में एंजॉय करके लेटे हुए, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में इसलिए क्योंकि ये कुत्ते जो है ना ये सामने सैर सपाटे पे भी और साथ में ये कुत्ते जो हैं असल में ये जो आपको सामने जहाँ मेरी उंगली जहाँ नज़र आ रही है ना ये सामने ये दो जो है ये जहाँ पे अभी आपको ये जो नज़र आई है इधर ही ये दो ये कुत्ते जो हैं ये लेटे हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में उसके साथ एक और आगे आपको बंदा नजर आ रहा होगा ये सामने, और रेत के लिए वो ट्रॉली भी एक गाड़ी छोटी सी आ रही है और सामने वाकई में ये सामने आ रही है ट्रॉली। और आपको पता है इस पहाड़ के उस तरफ एबटाबाद मनसेरा आते हैं। हाँ, एबटाबाद मनसेरा, तो ये सामने भी एबटाबाद है, ये सामने जो कह रहे हैं ये एबटाबाद में है। वाह, यानी एबटाबाद है। हाँ, ये सामने जो है। वाह फियाज, हिंद को अब शुरू और ये घर एबटाबाद, ये सामने केपीके एबटाबाद आता है और ये देखें हम मुजफ्फराबाद में और साथ ही सामने एबटाबाद नजर आता है केपीके में। बिल्कुल, यानी अब हिंद को शुरू। हाँ, इनको शुरू, वो देखें कितना तेजी से पानी जा रहा है, देख ले लगता है शायद सिर्फ एक दरिया के बीच में वो है, बाकी देखें जमीन एक जैसी है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा वो सामने मेरा कजन अली अब्बास भी आ गया और वो सामने ये देखें ये सामने मेरा कजन आया है, यानी मेरा खालाजाद भाई और साथ में मेरी खालाजाद बहन भी बैठी हुई है अलीना, और अभी ये सामने अभी अलीना जो है अभी ये निकलेगी, ये सामने बेचारी पता नहीं अपने मुंह के ऊपर हाथ क्यों रख के बैठी हुई है। कैसे हैं भाई? अच्छा कम, कैसे हैं आप? अभी बंद कर दो। ये सामने अभी ये निकलने वाली है, ये सामने मेरी चचाजात ये मेरी खालाजात बहन अभी निकल रही है अलीना, ये बड़ी लाडली थी और ये खास तौर पे मेरे नाना की बड़ी लाडली थी, बड़ी शिकायतें लगाती थी बचपन में,
अब ये हर वक्त अब ये देखा किस तरह छुप के बैठी हुई है, इस तरफ नहीं, इस तरफ है, ये सामने देखे, ये किस तरह गुजर रही है। बिल्कुल ठीक ठाक, आप भी सुनाए आमना कैसे आप, और कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम, खुल डुल के बताए, जो लाहौर से आप आए, लाहौर की हवा मुझे तो सही प्लेजेंट लगा, बहुत अच्छा लगा। लाहौरियों को क्या पैगाम देंगी लाहौर के लिए, ये खास तौर पे जो लाहौर के लोग हैं वो जो लाहौर जरूर आए इस मौसम और एंजॉय करें, और अगर किसी की ये क्या आप खुल डुल के बता रही है या आप अपने सब लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं कह रही है, असल में यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम। ठीक ठीक, ये अब मेरी मदर हैं जो अब ये मिलेंगी इनसे, खानपुर से हमारे मेहमान, ये अभी खुल डुल के यहाँ का मौसम बताएं कैसा लग रहा है यहाँ आके मुजफ्फराबाद में। हमें ऐसा लग रहा है कि हम परिस्तान में पहुँचे हुए हैं, ये मौसम, ये माहौल, ये नज़ारा, ये दरिया, ये पहाड़ और ये रेस्ट हाउस और ये गेस्ट हाउस, ये मेरे प्यारे प्यारे भाई जो मेरी मूवी बना रहे हैं, सब मिलके जो है ना एक जादू का मंजर है। ठीक, अमेजिंग, हैरत अंगेज, इंतहाई खूबसूरत। ये आप खुल डुल के बता रहे हैं ना जी, ये खुल डुल के बता रहे हैं या खुश करने के लिए? खुल डुल के मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ नाच नाच के बताऊँ, इतनी ठंडी, इतनी फ्रेश, इतनी ऑक्सीजन हमने कभी नहीं देखी, धुएं वाली हवा सूंघ सूंघ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन फ्रेश है, इतनी हवा ताज़ा है, जादुई हवा है, जादुई माहौल है, कमाल मंजर है, अमेजिंग। इस समय इंशाल्लाह हम 6 महीने यहाँ रहेंगे अभी, ठीक, फिर मैं गुजार के हम वापस जाएंगे। ठीक, ये भी आज बताएं यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है और कैसा सही महसूस कर रहे हैं? बहुत खूबसूरत महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने सबको कहा खुल डुल के बताएं, बेशक चाहे कोई आपको कोई गाली भी अगर सूझ रही हो तो वो भी बताएं, खुल डुल के, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, सब खुल डुल के बताएंगे, खुल डुल की बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह। आप देख रहे होंगे मुझे पीछे और ये सारे, अभी आपको पीछे ये सारा नज़र आ रहा होगा, पूरा व्यू खुल डुल के, क्या व्यू है, क्या नज़ारा, वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, अयाज खान, मैं रहिंदर खान से आया हूँ, इंतहाई खूबसूरत मौसम, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंट जगह, एटमॉस्फेयर खूबसूरत है, सामने दरिया है, सामने दरियाए झेलम, ऊपर पहाड़, एक ऐसा लगता है जैसे वादी है और वो ख्वाबों की वादी है, और जिस तरह सुना था कि कश्मीर जन्नत नज़ीर, तो बाकी ये जन्नत ही है, इंतहाई साफ सुथरी है, कूल ब्रीज हवा चल रही है, और इंतहाई खूबसूरत रेस्ट हाउस में हम रुके हुए हैं, और शाह साहिबान के लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला इनके घर आबाद रखे और हमेशा ये खुश खुरम रहें। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। अब आपने देख लिया होगा कि अभी आपने इनके भी, अभी आपने हमारे जो ये उधर खानपुर ज़िला रहीमयार खान के जो थे साबिक ये नाजिम अयाज खान का भी आपने इंटरव्यू देखा है कि आज इन्होंने भी कश्मीर को खुल डुल के बता दिया कि कश्मीर वाकई में जन्नत नज़ीर वादी है। ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, मेरा एक तो कज़न ये सामने लेटा हुआ है और सामने ये मेरे ब्रदर लॉ भी लेटे हुए हैं इसके साथ, साथ में क्या पी रहे हैं, चिल्ड हेज़लनट, ये पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन बन गया कि कौन पी रहा है, ये कोई भी नहीं पी रहा, कोई मुफ्ती, आप मुफ्ती स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड है भाई नेस्कैफे, यानी कल से रेडबुल, कल रेडबुल की स्पॉन्सरशिप होती थी और आज यहाँ पे नेस्कैफे प्लीज स्पॉन्सर आलम भाई, जब ये ब्लर कर देना जब तक ये पैसे नहीं देते, नहीं तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह वास्ते की दे दे। और ये सामने अपने मेरे कजन अभी लेटे हुए हैं, देखा बेटा दरिया, ये देखा कितना सरप्राइज आया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पूरे रास्ते में मैं कह रही थी कि कहीं हम रुक नहीं सकते दरिया के पास, वो इसलिए नहीं कह रही थी, वो इसलिए कह रही थी तेज बहुत चला, नहीं ये नहीं कह रही थी, ये कह रही थी हम दरिया में घुस नहीं सकते, मैंने कहा भाई दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, मैंने कहा कि दरिया जाने का रास्ता कौन सा होगा, इसलिए यहां से चला,
अब देखे कितनी ज्यादा क्या गुफ्तगू चल रही है यहाँ पे। और देखे है ना कि उन्होंने इसलिए पहने हुए ताकि पता ना चले सो रहे हैं या क्या या जाग रहे हैं। आपने मेरे गेम ना ओपन कर दिया दुनिया को यार, मेरे सब यार मैं भी मैं रास्ते पुलिस वालों को भी लगा इसलिए चला नहीं करता। ये पीछे तो आप देखे अब इन्होंने अपने कपड़ों की क्या हालत बना ली है पीछे से। बड़ी चलाको मासी ये मेरी खालाजाद बहन अलीना बड़ी लाडली थी, ये बड़ी शिकायतें लगाती थी। जब तक शिकायत ना लगाए नाना को इसे चैन ही नहीं आता था। और ये बड़ी शिकायतें लगाती थी नाना को, जब तक मेरे नाना को शिकायत नहीं लगाती थी ना इसका चैन ही नहीं आता था। हर वक्त शिकायतों पे शिकायतें लगा के आ जाया करती थी। ये देख रहे ये वही मेरी खालाजाद बहन जो ये बता रही है कि मैं किस तरह यूट्यूब में किस तरह बनाता हूँ वीडियोस। हाँ देखती तो हो, सब्सक्राइबर्स ढूंढ के नहीं देती। वाह क्या बात है, कहीं से आप पता करो। शिकायतें लगाने की तो बड़ी माहिर होती थी बचपन में, 5 साल की उम्र की थी और जाके सीधा शिकायतें लगा के आ जाया करती थी नाना को। क्या दीदी बाबा जी आनी में तंग करती हैं। और फिर इसी से अपनी मनमानी करती थी और साथ में अपनी हाँ देखा। इसलिए हम कहते हैं कि 5 साल के बच्चों से भी एहतियात करें। जिस तरह ये 5 साल की थी ना, ये जब 5 साल की थी तो जिस तरह ये करती थी, आज देखा आज इसने खुद कबूल कर लिया है। इंटरव्यू दे, मैं अपना इंटरव्यू खुद दूं जी। कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और थक गया हूँ और नींद आ रही है। यहाँ पे पहली दफा हुआ कि ये थक गए? वाह क्या बात है। और मैं अगर देख रही हो ना, आप देखा अपने हस्बैंड को सुबह सुबह आना पड़ा है ना स्कूल से आते। और दूसरा आलम भाई आपके पीछे गाड़ी चलानी पड़ी है। अब आपको ये नज़ारा हो गया, क्या नज़ारा है। हाँ ये अभी कॉमेडियन भी आ रहा है सामने, ये है मलिक इकबाल कॉमेडियन फ्रॉम खानपुर, फ्रॉम खानपुर जिला रहीम यार खान, द मोस्ट बिगेस्ट कॉमेडियन। और ये वो हैं जिन्होंने हमारे लिए बंदोबस्त करके दिए सामने, और ये जिसे मेरा भाई बात कर रहा है।